दीन आ जाता है। और इस दीन के लिए इखलास के साथ मोहब्बत के साथ जो कौम जो आवाम जुड़ी हुई है ये जुड़ी रहेगी। बस हमारे हुकूमत से और इंतजामिया से इतनी सी बात है कि हमारे वोटों को ना छेड़े। हम इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कौम हमारे साथ है। जो वोट हमें पड़े मुकम्मल गिनती के साथ हमें दे दो और फिर इंशाअल्लाह गिनती के साथ इससे हम तुम्हें दे देंगे इंशाअल्लाह। और हम बता देंगे इंशाअल्लाह कि सिंध में कितनी निशिस्ते हैं और ये बताएंगे कि पंजाब में कितनी निशिस्ते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में कितनी निशिस्ते हैं, बलूचिस्तान में कितनी निशिस्ते हैं, कौमी असेंबली में कितनी निशिस्ते हैं। और ये आप मालूम होना चाहिए कि आप भी जानते हैं, सब ये जानते हैं, मानते भी हैं कि यार पाकिस्तान में अगर कोई तहरीक है जिसके साथ आवाम है और हकीकी आवाम है, लालची आवाम नहीं, मुखलिस आवाम है, जान देने वाली आवाम है, सब कुछ लुटाने वाली आवाम है, तो वो तहरीक लब्बे पाकिस्तान है। तो ये बात भी मुसलसल है कि इंशाअल्लाह अब इक्तदार में आने वाली जमात की तहरीक लब्बे पाकिस्तान है। कादियानियों के हवाले से हमारे महाजनाला साहब का पैगाम दे दिया कि हमारे कराची डिवीजन के जिम्मेदारों को नामजद किया गया है और बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी इंक्वायरी के और बगैर किसी जांच पड़ताल के उनके नाम जो दाखिल किए गए हैं। बात इतनी सी है और हमारा मुतालबा यही है और भरपूर मुतालबा यह है कि फौरन उनके नाम ना खारिज किया जाए। और अगर आप खारिज नहीं करते हैं हमारे लिए तो शहादत है, आपकी चालबाजी है वो हमें कबूल है, आप जो चालबाजी खेले ये तो हमारे लिए शहादत है। हमारे कायदे ने फरमाया है कि जितने एफआईआर हैं हम जमा करके प्यारे मोहम्मद अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं। ये हमारे लिए शहादत है, ये सफर है हुए जाना कदम कदम डालाए जिन जिंदगी हो प्यारी वो यही सुनना और डाले। अरे जैसी जानियां पर है जो सिलाई के लेवल पर है, जो डिवीजन के लेवल पर है, जो मरकज लेवल पर है, जो इधर बैठे हुए हैं, आगे आगे बैठे हैं, पीछे बैठे हुए हैं, इन सब ने अपने सरों पर कफन बांध लिया है और ये आहदों पे पैमाना कर लिया है। सब कुछ कुछ मेरे नबी की कुर्बान करने का चर्चा अमीर मुजाहिदीन ने डाल दिया है। अरे तुम एक नहीं दो नहीं हजारों ऐसी आई काटोगे इंशाल्लाह हमें उनको भुगतना नहीं आता है और फिर जवाब देना नहीं आता है। बस बात इतनी सी है कि हमारे लिए शहादत की बात है मगर अगर फिर भी आप चालबाजी में लगे रहेंगे तो फिर क्या है, फिर हमारे यहाँ बाजार भी काट दो, फिर इन सबकी एफ आई आर काट दो। हाँ हम यहाँ मौजूद हैं, हम सबकी काट दो भाई, ये पूरी आवाम की काट दो भाई। अगर तेरे फिर भी मसला है तो फिर आके हम खुदा के सामने बैठ जाएंगे, हमारी एफ आई आर भी काट दो। अरे ये हमारे लिए शहादत है, एक काम हो जो सिक्री में भी मौजूद है, जो कि इस्लाम तोड़ने में भी मौजूद है, इस्लाम की मुखालिफत में मौजूद है, इस्लाम की मुखालिफत भी कर रहे हैं और जो आईन की भी मुखालिफत कर रहे हैं और खुला खुला मुखालिफत में मौजूद है। और अब से दिन है जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से लेकर आज तक इनके मरमर पर मीनार बने हुए हैं जो आईन के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है, हदीस के खिलाफ है, कुरान के खिलाफ है। वो मीनार मौजूद है वहाँ पर, उनकी मस्जिद का नाम लेकर वो मौजूद रखे हुए हैं। आपने उन पर तो कभी एफआईआर नहीं कर दी, आपने तो जब तक के उन मुजाहिदीन आके आपके सामने नहीं बैठे थे, रसूलुल्लाह के गुलाम सामने नहीं आके बैठे थे, तुम्हें इस बात की तरफ तवज्जो नहीं दिलाई, तुम्हें इस बात की तरफ तमादा नहीं दिया। उस वक्त तक तुमने एफआईआर नहीं कर दी, उस वक्त तक कानून हल करके नहीं लिया, नहीं आया क्यों, उसकी वजह क्या है? और हम खुद खुद थाने में आकर तुम्हें मुसलमानों पर जिनके नाम की जरूरत नहीं है,
आपके पास आ जाते हैं, हमें खुद आप अंदर दर्द दीजिएगा, मगर बाप याद रखिएगा, हम अंदर होंगे फिर बाहर का माहौल जो होगा उसका इसकी जिम्मेदारी फिर 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 मुसलमान है, हम तो कहते हैं हम भी बुरा कहते हैं, हमने हमने भी इनको बुरा हो रहा है, आप सबसे सी बात है, आप बगैर वर्दी के बुरा कह रहे हैं, हम वर्दी में होते हैं, हम कानून के पाबंद है, इसलिए कि हमारे उलमा इकराम जब सस्तियों में आए, अब ये हक पाकिस्तानी एक बच्चे को भी है तो चूचे से इसको भी हक है कि कादियानियों को बड़े सरे आम काफिर कहा जाए, बिल्कुल भी काफिर कहा जाए। पैगाम इतने से है, अभी अभी खतीबुल इस्लाम यहाँ मौजूद है, आप उनका खिताब समाप्त फरमाएंगे।